आखिरकार कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद से सुरक्षा और इंसाफ की मांग को लेकर महीने भर से जो हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। डॉक्टर काम पर वापस लौटने को अब तैयार हैं। जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही बातचीत फाइनली सफल हुई। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स मोर्चा ने कल अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। जूनियर डॉक्टर शनिवार यानी कि 21 सितंबर से काम पर वापस लौटेंगे। अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू होंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं फिलहाल निलंबित रहेंगी। कोलकाता में स्वास्थ्य शिक्षा मुख्यालय के सामने जारी धरना भले ही कल से खत्म हो जाएगा, लेकिन कल जूनियर डॉक्टर शाश्वत भवन से सीबीआई मुख्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक विरोध रैली भी निकालेंगे। इससे पहले भी कई बार गतिरोध खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। डॉक्टर्स की 5 मुख्य मांगों की अगर बात करें तो उसमें आरजीकर कांड के दोषियों को सजा, अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य और चिकित्सा निदेशक को पद से हटाना, कोलकाता पुलिस आयुक्त को पद से हटाना और कोलकाता पुलिस के डीसी और डीसी सेंट्रल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में धमकी की संस्कृति को खत्म करना। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दौर ऐसा भी आया कि ममता बनर्जी ने सचिवालय में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर जूनियर डॉक्टरों का घंटों इंतजार किया। बाद में डॉक्टरों के नहीं आने पर बाद में माफी मांगी। एक बार तो यहां तक हो गया कि ये तक कह दिया कि वो लोगों के हित में इस्तीफा देने को तैयार है। सीएम ने इस बात का भी हवाला दिया था कि हड़ताल के कारण 27 लोगों की जान चली गई और 7 लाख मरीज पीड़ित हैं।